केआरके इन दिनों विवेक अग्निहोत्री का मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़े हैं। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द वैक्सीन को सिनेमाघरों में रिलीज हुई, लेकिन ये द कश्मीर फाइल्स वाला करिश्मा नहीं दोहरा पाई है। समीक्षकों से मिली जुड़ी प्रतिक्रिया मिली थी, लेकिन व्यूअर्स ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। पहले दिन तो फिल्म 1 करोड़ का कलेक्शन भी नहीं कर पाई। छोटे बजट की फिल्मों के चलने में बड़ा रोल वर्ड ऑफ माउथ का होता है, लेकिन द वैक्सीन फॉर के साथ ये भी देखने को नहीं मिला। अब केआरके ने विवेक के डायरेक्शन पर सवाल उठाए और कहा कि ये तो बॉलीवुड वालों को पहले से पता था कि उन्हें डायरेक्शन आता ही नहीं है। केआरके ने ट्वीट कर कहा, ये तो बॉलीवुड वालों को पहले से ही पता था कि विवेक अग्निहोत्री साहब को डायरेक्शन नहीं आता है, लेकिन भला हो विवेक का जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स बनाकर बॉलीवुड को पूरी तरह से यकीन दिला दिया है कि उन्होंने डायरेक्शन का डी भी नहीं सीखा है। और अब द वैक्सीन फोर ने तो सारी रही कहीं कसर भी पूरी कर दी है। केआरके ने एक अन्य ट्वीट में कहा, फिल्म द वैक्सीन फॉर दूसरे दिन ही बिल्कुल खत्म हो गई। पीवीआर और आईनॉक्स मिलाकर 25 लाख, सिनेपॉलिस में 28 लाख, 3 मल्टीप्लेक्स चेन में कुल 33 लाख, डे 2 और इंडिया बिजनेस 45 लाख रहा। इस तरह 2 दिन में फिल्म ने 60+45 मतलब 1 करोड़ का ही कलेक्शन किया है। पब्लिक ने विवेक और अनुपम खेर को उनकी औकात याद दिला दी है। द वैक्सीन फॉर 28 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म में नाना पाटेकर, पल्लवी जोशी, रायमा सेन लीड रोल में है। वेब पोर्टल सेकनेट के मुताबिक फिल्म ने गुरुवार को 85 लाख और शुक्रवार को 90 लाख का कलेक्शन किया। शनिवार को फिल्म 1 करोड़ कमा सकती है। 3 दिनों का कलेक्शन मिला दे तो 2 करोड़ 80 लाख रुपए होता है। वेल, क्या आप भी मूड में बैठे हैं द वैक्सीन 4 को देखने के लिए? हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।